everybody, you're welcome to my channel Learn English with Cherry. If you are a teacher and you hesitate while speaking in English in front of others like your students, principal and your colleagues, then I'm here for you. You can speak fluent English after watching this video. मैं आपको बहुत आसान easy कुछ ऐसे phrases बताऊंगी जिससे आप और बहुत सारे phrases बना पाएंगे और बोल पाएंगे. So let's get started without wasting any time. Just have a look on the screen. You can see like क्या लिखा हुआ है, सिर्फ can I get और take. तो इसका मतलब होता है क्या मैं ले सकता हूँ. जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो अगर आप can I get बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोल सकते हैं ये बहुत सारे सेंटेंसेस लाइक can I get your attendance, क्या मैं आपकी अटेंडेंस ले सकती हूँ. सबसे पहले हम स्कूल में जाकर अटेंडेंस लेते हैं स्टूडेंट्स की. देन यू कैन से कैन आई गेट योर अटेंडेंस. एंड आप और भी तरह से बोल सकते हैं. ये होता है कि स्टूडेंट्स बिजी हैं, इन दैट केस हमें कैन आई का यूज़ करना है कि मे बी थोड़ा सा परमिशन हो जाता है कि हम उनका अग्री कर रहे हैं इस टाइम या नहीं. एंड नेक्स्ट है कैन आई गेट योर बुक. लाइक हो सकता है कि उनकी बुक बिजी हो, वो उसमें से कुछ पढ़ रहे हो, तब हमें कैन आई का यूज़ करना पड़ता है. एंड नेक्स्ट है कैन आई गेट योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकती हूँ. कई बार हम चेकिंग के लिए नोटबुक लेते हैं इन दैट केस. हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर यही बात आप अपनी प्रिंसिपल से या कलीग से कर रहे हैं तो आप मे आई का यूज़ करेंगे, कैन आई का नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा पोलाइट है. आपको पता है जब हम प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं हम कहते हैं मे आई कम इन मैम, बिकॉज कि वो ज़्यादा पोलाइट वर्ड है कैन से, राइट. जब भी आपको पोलाइट इंग्लिश बोलनी है अपने से, बॉस बड़े लाइक चेयर से बड़े, कुछ भी हम ऐसे कह सकते हैं, इवन कि एज से बड़े लोगों से भी जब आप पोलाइट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप मे आई का यूज़ करेंगे रादर देन कैन आई. एंड नेक्स्ट है जैसे कैन आई गेट योर पेन, कैन आई गेट योर ग्रामर बुक. तो मैंने आपको सिर्फ एक कैन आई गेट सिखाया है और उस कैन आई गेट से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे जो भी आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं, राइट. नेक्स्ट है ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले आपके लिए अभी क्वेरी है कि आपने अभी जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए वो आपको समझ में आए या नहीं. प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स कैन आई डैश योर फोन फॉर अ वाइल. अगर आप किसी से फ़ोन मांग रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे. एक वर्ड आएगा यहाँ पे कैन आई डैश योर फोन फॉर अ वाइल. एंड आई विल गिव यू अ टिप एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हाउ यू कैन प्रैक्टिस योर इंग्लिश स्पीकिंग अलोन एट योर होम. ओके, बच्चों से बोलने से पहले आप पहले कैसे प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट है गेट रेडी. गेट रेडी का मतलब आपको पता ही है कि तैयार हो जाओ, ठीक है, इतना तो हम बोल ही सकते हैं. लेकिन जब हम आगे बोलना चाहते हैं किस लिए, गेट रेडी फॉर योर टेस्ट, गेट रेडी फॉर योर टेस्ट, हरी अप. नेक्स्ट है गेट रेडी फॉर योर अटेंडेंस. अब यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले अटेंडेंस के लिए एक और सेंटेंस बताया था, उसमें है कैन आई गेट योर अटेंडेंस, ठीक है, कि उस टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, ठीक है. जैसे अभी स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं मजे में हैं, ओके, गेट रेडी फॉर योर अटेंडेंस स्टूडेंट्स. गेट रेडी फॉर द प्रेयर, गेट रेडी फॉर द प्रेयर, प्रेयर के लिए रेडी हो जाओ. नेक्स्ट है गेट रेडी टू गो आउट. हो सकता है कि क्लास को कहीं बाहर लेके जाना है, हॉल में लेके जाना है, ऑडिटोरियम में लेके जाना है, देन यू कैन से गेट रेडी टू गो आउट. एंड नेक्स्ट इज गेट रेडी टू मेक अ लाइन. अब पता है कि लाइन बनानी पड़ेगी, वैसे तो हम कहते हैं हरी अप स्टूडेंट्स मेक अ लाइन, और उससे पहले हम बोल सकते हैं गेट रेडी टू मेक अ लाइन, वी हैव टू गो टू द ऑडिटोरियम. गेट रेडी फॉर द न्यू टॉपिक, नए टॉपिक. अब जैसे आपने पढ़ाना शुरू किया, स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर द न्यू टॉपिक एंड आर टॉपिक इज दिस दिस दिस, राइट. एंड नेक्स्ट इज गेट रेडी फॉर रीडिंग अ न्यू लेसन. अब टॉपिक भी हो गया, आप न्यू लेसन की तरह भी बोल सकते हैं, गेट रेडी फॉर रीडिंग अ न्यू लेसन एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू, ठीक है, कि हम उस बच्चे को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि मैं तुमसे स्टार्ट करूँगी.
गेट रेडी टू हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट करवा रहे हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं गेट रेडी टू हेल्प ईच अदर। हेयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब छुट्टी का टाइम है तो हम बोलेंगे गेट रेडी डैश होम। यू हैव टू राइट आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स प्लीज़। आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर अगर आपका माइंड इस तरफ चलेगा, वर्क करेगा, हम क्या बोल रहे हैं, क्लास में क्या है, कहाँ पे हम स्टक होते हैं, जहाँ पे भी आप स्टक होते हैं, पहले तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। आई गिव यू द आंसर। ट्राई करूँगी कि सबको आंसर दे सकूँ, नहीं दे सकी तो नेक्स्ट वीडियो में, ओके? और एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे अभी आप एक वो वर्ड फिक्स करने की कोशिश करें, ताकि हम गेट रेडी तो हमें आ गया, उसके साथ और कौन कौन से वर्ड्स हम अटैच करके बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकें। ओके, नेक्स्ट इज गिव मी। गिव मी मीन्स मुझे दो, इट्स वेरी अंडरस्टूड। लेकिन क्या, अब फिर से अटेंडेंस की बात आई, गिव मी योर अटेंडेंस स्टूडेंट्स। अब आप रोज़ जो है अटेंडेंस लेने के वक्त एक ही लाइन तो नहीं ना बोल सकते, तो आप अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ें बोल सकते हैं, लाइक दिस, ओके? एंड नेक्स्ट है गेट रेडी फॉर योर अटेंडेंस। ये मैंने इसलिए लिखा कि अभी हमने ये डिस्कस किया, ओके? हमने थ्री टाइप से ये डिस्कस किया। और है गिव मी योर डायरीज, गिव मी योर नोटबुक्स। तो गिव मी, कैन आई गेट भी हमने बोला था। जब भी आप किसी से कुछ लेना चाहते हो तो गिव मी तो वैसे हम कैजुअली बोलते ही हैं, लेकिन कैन आई गेट भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस और वर्ड्स को जब यूज़ करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी और आपके जो फ्लुएंसी है वो सब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है गिव मी योर नोटबुक फॉर चेकिंग, ओके? जब आप बच्चों की नोटबुक्स लेते हैं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है गिव मी योर रजिस्टर। एंड नेक्स्ट है गिव मी माय रजिस्टर, मेरा रजिस्टर दे दो। गिव मी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू पार्टिसिपेट। अब अक्सर क्या होता है, एक आधी लिस्ट ज़रूर बनानी पड़ती है, कभी किसी को दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए, वट एवर। तो बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए गिव मी द लिस्ट भी बोल सकते हैं, फिर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि कौन से फंक्शन के लिए। गिव मी द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन, हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एंड दैट, ओके? गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस स्टूडेंट। जैसे कि आपको रिसेप्शन से या कहीं से भी अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी पड़ सकती है, या फिर किसी कलीग से, किसी उस पर्टिकुलर क्लास के इंचार्ज से, गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस स्टूडेंट। लाइक आप पर्टिकुलर भी कुछ मांग सकते हैं, गिव मी द फोन नंबर ऑफ दिस स्टूडेंट, गिव मी द एड्रेस ऑफ दिस स्टूडेंट, और स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देन अदर विल आस्क यू विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू वॉन्ट, then you can say I want his phone number, I want his father's phone number and so on, okay? And next is didn't you ka matlab hai kya tum nahi. ab aise kaun se sentences hai, let's see. Didn't you know the answer, kya tumhe answer nahi pata tha. Didn't you get me? आप जैसे लेसन पढ़ा रहे हैं, ड्यूरिंग दैट आपने किसी को खड़ा किया स्टूडेंट को और उसने बताया नहीं आपको, तो आप कहेंगे Didn't you get me? जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आया। And next है Didn't you understand? क्या तुम समझ नहीं पाए, कोई भी बात की भी बात हो सकती है या फिर लेसन की, anything. Didn't you know about the class? कोई आपने क्लास में म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, ऐसे बच्चे अलग अलग क्लासेज में जाते हो तो कई बार पहुँचते ही नहीं है टाइम पे, हम कहते हैं Didn't you know about the class? Didn't you know about the timetable? Didn't you bring your notebook? क्या तुम अपनी नोटबुक नहीं लाए? नेक्स्ट है डिडेंट यू अटेंड द क्लास yesterday? अब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा आंसर नहीं देता, तो हम पूछ सकते हैं कि बच्चे आपने कल क्लास अटेंड नहीं की, डिडेंट यू अटेंड द क्लास yesterday? या फिर जब आप अटेंडेंस लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई स्टूडेंट कल एबसेंट था या लीव पे था, तो आप पूछे डिडेंट यू अटेंड द क्लास yesterday? वेयर इज़ योर लीव फॉर्म, यू हैवन्ट सबमिटेड योर लीव फॉर्म। Didn't you take the test yesterday? क्या तुमने कल टेस्ट नहीं दिया था, टेस्ट में कोई मिसिंग है स्टूडेंट, उसके मार्क्स नहीं लगे हुए। एंड हेयर इज अगेन अ क्वेरी फॉर यू, जैसे कि आप पूछना चाहते हैं क्या तुम
वहाँ नहीं गए? क्या तुम वहाँ नहीं गए? तो यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर किया था कि कल तुम आए नहीं थे, कल तुम प्रेजेंट नहीं थे, कल तुम क्लास में नहीं थे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप बताएंगे, पास्ट की बात फिर से हो रही है कि क्या तुम वहाँ नहीं गए, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? जितनी क्वेरीज मैंने आपसे पूछी हैं, आप सबके आंसर्स देंगे वन बाय वन, प्लीज़। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। क्योंकि कई बार हमारे माइंड में वो चीज़ क्लिक नहीं कर पाती वीडियो बनाते हुए कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है। नेक्स्ट है वाई डिडेंट। अब जैसे डिडेंट का वैसे पहले हमने किया कि ये पुरानी बात है कि क्यों नहीं, कल की हो सकती है, परसों की हो सकती है। तो आप पूछेंगे वाई डिडेंट यू कम यस्टरडे, लाइक वही सेम, आपने अटेंडेंस लगाया या आपने एग्ज़ाम, किसी बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आप कहेंगे वाई डिडेंट यू कम यस्टरडे, वाई डिडेंट यू टेक योर टेस्ट, वाई डिडेंट यू लाइक Why didn't you appear in the exam? Okay? अब देखो appear word था ना, वो मेरे mind में click नहीं हो रहा था, but मैं emphasize कर रही थी नहीं exam में बैठने को, टेस्ट को हम टेक द टेस्ट बोलेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है तो अपीयर वर्ड यूज़ करेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, लेकिन जब हम जैसे जैसे बोलेंगे ना तो हमारी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आती ना, थोड़ा और प्रेशर डालो, नहीं यहाँ पे एक वर्ड था वो कौन सा था, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। वाई डिडेंट यू टेक द टेस्ट सेम। एंड नेक्स्ट है वाई डिडेंट यू प्रिपेयर द टेस्ट, लाइक बच्चा कहता है मैम मुझे तो टेस्ट नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं वाई डिडेंट यू प्रिपेयर द टेस्ट, या उसके मार्क्स नहीं आए, वाई यू गॉट सो लेस मार्क्स, यू डिडेंट प्रिपेयर द टेस्ट, तुमने टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया था, इतने कम नंबर आए हैं। ओके, ब्रिंग योर डायरी, आई विल राइट अ नोट फॉर योर पेरेंट्स, Why didn't your parents come to PTM? अब हो सकता है कि पेरेंट्स नहीं आए PTM पे, तो हम बच्चों से पूछते हैं Why didn't your parents come on PTM? तो फिर आप कह सकते, बच्चा आगे से बोलता है मैम, कोई भी जो भी वो एक्सक्यूज़ देता है उसके बदले में, देन प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू देम, प्लीज़ कॉल मी, आई वॉन्ट टू कन्वे योर रिपोर्ट टू देम। Why didn't you finish your lunch during recess? कई बार बच्चे बाद में खाना खा रहे होते हैं, तब आप बोल सकते हो कि आपने तब फिनिश क्यों नहीं किया। Why didn't you convey message to all the students? यहाँ पे द के स्पेलिंग प्लीज रॉन्ग, आई एम सॉरी फॉर दैट। Why didn't you convey the message? आपने कोई मैसेज दिया बच्चों को, लाइक कल ये ग्रामर बुक लेके आनी है, या फिर हम किसी एक स्टूडेंट को मैसेज देते हैं कि सारी क्लास को बोल दो, लाइक इस तरह से, तो फिर उस केस में आप बोल सकते हैं। आपने किसी कलीग को बोला हो सकता है कि आप ये मैसेज कन्वे कर देना स्टूडेंट्स को, इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस। वाई डिडेंट यू डैश द टाइम टेबल? ओके, यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि तुमने टाइम टेबल क्यों नहीं लिखा। वाई डिडेंट यू डैश द टाइम टेबल, वाई डिडेंट यू समथिंग समथिंग द टाइम टेबल। ओके, यू हैव टू राइट अ वर्ड फॉर दैट इन द कॉमेंट बॉक्स। आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन, वी विल, हम करेंगे। ओके, हम करेंगे। अब देखिए, हमने बहुत छोटे छोटे वर्ड्स को लेके बहुत सारे सेंटेंसेस बना दिए कि जो हम सिर्फ क्लासरूम में बोल सकते हैं या आप अपने कलीग्स के साथ बोल सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, अगर आप लाइक करते हैं तो थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। जब आपके स्टूडेंट्स जो है आपसे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपको भी खुशी होती है ना, तो सेम वे से मुझे भी होगी। वी विल डू बैक एक्सरसाइज टुमारो, जो हम जो बैक एक्सरसाइज है, कोई चैप्टर चल रहा है, आप कह रहे हैं कि चलो इसकी बैक एक्सरसाइज कल करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस लेसन टुमारो, हम ये लेसन कल कंटिन्यू करेंगे, आपने आधा पढ़ा दिया, आधा रहता है। नाउ वी विल स्टॉप द लेसन हेयर, टाइम इज़ अबाउट टू ओवर, जब आपको लग रहा है अभी टाइम होने वाला है, चलो बच्चों का पैकअप करवा देते हैं। नाउ वी विल स्टॉप हेयर, ठीक है, हम यहाँ पे बस लेसन को स्टॉप कर देंगे। वी विल कंप्लीट रेस्ट ऑफ द लेसन इन नेक्स्ट क्लास, हम ये जो बाकी का लेसन बचा है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।
वी विल फिनिश द लेसन ऑन वेंसडे. हम वेंसडे को लेसन कंप्लीट करेंगे. वी विल कंप्लीट दिस लेसन ऑन मंडे. वी विल कंप्लीट दिस लेसन आफ्टर द ब्रेक. एनीथिंग. ओके ओके. यहाँ पे मैंने वेंसडे एक्चुअली क्यों लिखा, आप देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसको वेडनेसडे प्रोनाउंस करते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. लाइक यहाँ पे जो हमारे पास डी वर्ड है दैट इज़ साइलेंट. ओके साइलेंट है तो आप वेंसडे बोलेंगे. ओके नेक्स्ट है हमारे पास वी विल फिनिश द एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास. हम नेक्स्ट क्लास में, कई बार एक के बाद दो पीरियड भी होते हैं तो हम कहते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे. So it's a time for that particular tip which can increase your fluency. First thing you have to do, take your mobile in front of you and speak like as you are in the class. Hello students, how are you? How are you doing? Open your notebooks. Whatever that comes in your mind, okay? तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आप अपने आप को देखेंगे और बोलेंगे, और वो चीज़ आप एक बार वीडियो में बोलेंगे आपको पता लगेगा आपकी गलतियाँ कहाँ पर है. आप वोकैबलरी में हेजिटेट करते हैं या आप कहाँ पर हेजिटेट कर रहे हैं, आप उस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करें. ठीक है, अब क्लास में जाने से पहले 5-10 सेंटेंसेज आप बोलोगे और उस सिर्फ वो ही बोलोगे आप जाके क्लास में. उसके बाद नेक्स्ट डे आप और सेंटेंसेस की वन बाय वन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी एक हेजिटेशन जो है वो दूर होती जाती है. देखो आप टीचर्स हो, इतना तो मुझे पता है कि आप इजीली इंग्लिश जो है वो लिख पाते होंगे, लेकिन जब बोलने की बात आती है तब ऐसे हो जाता है कि एकदम ब्लैंक हो जाता है माइंड. तो प्लीज़ ये चीज़ आपने इस तरह से आपने अपनी हेजिटेशन को दूर करना है. अपना मोबाइल लीजिए, अपना वीडियो बनाइए और ख़ुद को देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में रिमूव करने की कोशिश कीजिए. और अगर आप इसमें सक्सेस होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएगा. थैंक यू, बाय बाय, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स.